करके आईबी को हैंडओवर करनी थी, वो नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ हमारे पास पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, तो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आईबी एंड परचेजिंग पार्टी, एंड देन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आईबी एंड सेलिंग पार्टी। आईबी विल वर्क एज एन इंटरमीडिएशन, और इंटरमीडिएशन के अगेंस्ट जो भी वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो आईबी लेगा। ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो ए यानी परचेजर और आईबी के दरमियान होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, और आईबी और जो सेलर पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट जरूर होंगे। बट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेट से कि अगर ए पार्टी जिसने घर खरीदना है वो घर नहीं खरीदते, ठीक है, तो उसका आईबी और बी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऑन द अदर साइड अगर फॉर एग्जांपल बी पार्टी घर नहीं मुकम्मल करके देती तो उसका ए से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ए ने घर खरीदना है आईबी से और आईबी ने उसको सेल करना है ए को। सिमिलरली आईबी ने घर खरीदना है बी पार्टी से और बी पार्टी ने सेल करना है आईबी को। सो ये दो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट होंगे बट दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद है जी इस्तिस्ना का मतलब क्या है। इस्तिस्ना का मतलब है मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक कमोडिटी। तो इस्तिस्ना के अंदर ये जरूरी है कि जो कमोडिटी जिसके ऊपर बात हो रही है वो कमोडिटी मैन्युफैक्चर की जाए। ठीक है, मैन्युफैक्चर वो किसी भी किस्म की होती है। इट कुड बी ग्राउंड कंस्ट्रक्शन, इट कुड बी असेंबलिंग, इट कुड बी फ्रॉम जीरो मैन्युफैक्चरिंग, इट कुड बी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। सो जो चीज मैन्युफैक्चर की जाएगी दैट विल कम अंडर इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना में हमेशा गुड्स स्पेसिफाई की जाएंगी, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स और हमेशा प्रोवाइड की जाएगी कि भाई बनाना क्या है। उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो डिफाइन की जाएगी। जो भी परचेजर है वो उसको डिफाइन करेगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। इन थ्योरी द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी मेड डायरेक्टली बिटवीन एंड यूजर एंड मैन्युफैक्चरर। प्रैक्टिकली तो यही होता है कि बेसिकली जो बायर है और जो सेलर है उसी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इसके अंदर क्योंकि जब आप बैंक को इस्तेमाल करते हैं तो बैंक इसके दरमियान इंटरमीडिएटरी का रोल अदा करता है। इंटरमीडिएशन इफेक्ट जब आ जाता है तो बेसिकली बायर बायर के अगेंस्ट इस्लामिक बैंक सेलर, सिमिलरली बायर अगेन इस्लामिक बैंक और उसके अगेंस्ट सेलर वो पार्टी जिसने उसको सेल आउट करना है। इन केस ऑफ पैरेलल और बैक टू बैक इस्तिस्ना स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ टू इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, दो इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिटवीन बायर एंड इस्लामिक बैंक, एंड सेकेंड इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिटवीन इस्लामिक बैंक एंड द सेलर पार्टी और जो मैन्युफैक्चरर है उसके दरमियान। दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट मूव करेगा तो उसके अंदर बी कॉन्ट्रैक्ट भी मूव करेगा। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन बायर एंड इस्लामिक बैंक, उसके अंदर जो क्लाइंट ने पेमेंट करनी है इस्लामिक बैंक को, उसका टाइम पीरियड लॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू द टाइम पीरियड जो इस्लामिक बैंक ने पेमेंट करनी है बी को। यानी कि अगर हम यहाँ इसको जिस तरीके से डिफाइन करें कॉन्ट्रैक्ट को, हम कहें देयर इज एन इस्लामिक बैंक, देयर इज अ पार्टी ए एंड देयर इज ए पार्टी बी। इसने इसको डिलीवर करना है घर और इसने इसको डिलीवर करना है। जो पेमेंट टाइम होगा, लेट्स से ये बैंक इसको 20 मंथ्स में पेमेंट कर देगा, इट्स नॉट मिलियन, यहाँ कर लें ये 20 मंथ्स है। और जो पेमेंट ए इसको करेगा वो लेट्स सपोज हम कहते हैं 30 मंथ्स में करेगा। सो डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनती है बात, कि इस्लामिक बैंक ने जो पेमेंट रिसीव करनी है उसका टेन्योर उस टेन्योर से ज़्यादा होना चाहिए जिस टेन्योर में उसने पेमेंट करनी है। इस्लामिक बैंक ने क्योंकि बी को पेमेंट करनी है तो वो 20 महीनों में कर रहा है, और इस्लामिक बैंक ने जो पेमेंट रिसीव करनी है ए से वो 30 मंथ्स में कर रहा है। सो दिस टेन्योर इज ग्रेटर देन दिस वन।
ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ना हो तो आपका जो आईबी है उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा आईबी का जो पेमेंट का शेड्यूल है बाय सेलर को वो शॉर्ट होना चाहिए इन कंपैरिजन टू आईबी ने जितने अरसे में वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करनी। फर्स्ट एग्रीमेंट और सेकेंड एग्रीमेंट, ये फर्स्ट एग्रीमेंट और सेकेंड एग्रीमेंट वो ही है कि कस्टमर ने बैंक के साथ डिटेल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, डिज़ाइन मटेरियल और डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड और कंप्लीशन टाइम सब कुछ इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा। इसके साथ साथ पेमेंट भी डिफाइन की जाएगी, प्रॉफिट भी डिफाइन किया जाएगा, सारा कुछ डिफाइन किया जाएगा। सब चीज़ें जब डिफाइन कर ली जाएंगी तो ये पहला एग्रीमेंट होगा। जैसे एक सादा सा एग्रीमेंट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मैं लेट से अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ ए प्लस आई बी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ जी स्पेसिफिकेशन के साथ जो भी मेरी डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन है कि इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आएगी मैं आपको उस कॉस्ट के अगेंस्ट 10% मार्जिन दूंगा। 10% मार्जिन का क्या मतलब हुआ कि लेट से एक घर मैंने बनाने को कहा और उसके ऊपर 1 लाख रुपए कॉस्ट आई। 1 लाख रुपए कॉस्ट आने का मतलब है कि जब 1 लाख रुपए कॉस्ट आएगी तो बैंक को मैं 10,000 रुपये इजाफी दूंगा। तो टोटल बैंक को कितने देना है मुझे, 1,10,000। 1,10,000 की जो भी मैं इंस्टॉलमेंट लेट से साल की बनाता हूँ तो 12 पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाएगा कि मैंने उससे कॉस्ट कितनी लेनी है। ठीक है, अब समटाइम ये होता है कि जब आप चीज़ मैन्युफैक्चर करने जा रहे होते हैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता होता, एस्टिमेटेड कॉस्ट पता होता, तो लिहाजा हम उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट लिख देते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम ना भी लिखना चाहें, हम सिर्फ उसको इस तरह डिफाइन कर लें कि जो भी कॉस्ट इनकर होगी उसके ऊपर 5%, 7%, 10% जो है, क्योंकि डेफर पेमेंट के ऊपर पेमेंट मिलनी है तो हम उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेंगे या मार्केट का प्रॉफिट रेट लेंगे। सेकेंड एग्रीमेंट क्या होगा, सेकेंड एग्रीमेंट होगा बिटवीन सेलर एंड इस्लामिक बैंक। जो स्पेसिफिकेशन उसको इस्लामिक बैंक को फर्स्ट एग्रीमेंट से रिसीव होंगी वो सेकंड एग्रीमेंट में वो सेलर को बता देगा। वही तमाम चीज़ें, वही डेट ऑफ डिलीवरी और अपना अलहदा से पेमेंट शेड्यूल बना लेगा। जो भी चीज़ बैंक ने अब सेकंड एग्रीमेंट में परचेज करनी है उसके अगेंस्ट वो अपना शेड्यूल बना लेगा कि हाँ जी आपको किस तरह पेमेंट करनी है, क्वार्टरली देनी है, को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अगेंस्ट 30% कम्प्लीशन पे देनी है, 50% कम्प्लीशन पे या 100% कम्प्लीशन के ऊपर। जो भी यहाँ डिज़ाइन की जाएगी बात वो सेकंड एग्रीमेंट में लिख दी जाएगी। सेकंड एग्रीमेंट हमेशा फर्स्ट एग्रीमेंट के बाद होगा। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज क्या है, पहले है जी अल मुस्तनसी तस्नी बायर, अल मुसानिया सेलर, अल मंसू सब्जेक्ट ऑफ सेल जिसको आपने बनाना है, बिल्ट मेड मैन्युफैक्चर मे बी नोन एज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिसिटी उसकी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होगी वो, क्या क्वांटिटी होगी, सब कुछ इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा। अच्छा जी, ये इस्तेसना फाइनेंसिंग का एक छोटी सी डायग्राम है। बायर को क्या चाहिए, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है, परफॉर्म एज पर इस्तेसना कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। इस्तेसना कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, शुड बी क्लियर, नो एम्बिग्विटीज, स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन ऑफ इस्तेसना एग्रीमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों की एग्रीड होती हैं उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। इंक्लूड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ बायर एंड कॉन्ट्रैक्टर विद डिटेल स्पेसिफिकेशन एसेट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बिग्विटी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, सो दैट इस्तेसना कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंक्लूडेड स्मूथली। तो देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी कि जो बायर है वो अपनी फुल स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करें और सेलर उस फुल स्पेसिफिकेशन को कंक्लूड करे। तो दिस इज़ वेरी मच नीडेड कि इस्तेसना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बिग्विटी ना हो।